हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी डेली क्लास रहती है शाम 7 बजे, जिसमें हम एग्रीकल्चर के 20 क्वेश्चन करते हैं जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लग्जरी कंसेप्शंस के लिए उत्तरदायी पोषक तत्व है। लग्जरी कंसेप्शंस के लिए उत्तरदायी पोषक तत्व कौन सा है यह बताना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फेट। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पोटेशियम, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, सन साइन रिकॉर्डर द्वारा किसका मापन किया जाता है। पानी का, सूर्य की रोशनी का, पोषक तत्वों का, छाया का। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा सूर्य की रोशनी का जो मापन किया जाता है वो सन साइन रिकॉर्डर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सनई का वानस्पतिक नाम क्या है। सनई का वानस्पतिक नाम क्या है। ऑप्शन है ट्राइफोलियम, अलेक्जेंड्रियम, क्रोटोलेरिया, जूसिया, साइमोपसिस, टेट्रा गेगोलोबा, कोई नहीं। तो थ्री नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्रोटोलेरिया जूसिया, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्नेही का वनस्पतिक नाम है वो क्रोटोलेरिया जूसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है सन 2050 में खाद्यान्न उत्पादन होना चाहिए 260 मिली टन, 280 मिली टन, 380 मिली टन, 480 मिली टन। तो चार नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 480 मिली टन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सन 2025 तक भारत का खाद्यान्न उत्पादन होना चाहिए 280 मिली टन, 320 मिली टन, 380 मिली टन, 420 मिली टन। तो फाइव नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 380 मिली टन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छह नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सन 2020 तक भारत में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्ध होगी 0.15 हेक्टेयर, 0.10 हेक्टेयर, 0.05 हेक्टेयर, 0.01 हेक्टेयर। तो छह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 0.05 हेक्टेयर, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सन 1950-51 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितना था। 50.82 मिली टन, 80 मिली टन, 192 मिली टन या फिर 188.20 मिली टन। तो सात नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 50.82 मिली टन। सन 1950 और 51 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितना था, तो 50.82 मिली टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइल फाइबर्स स्थित है नागपुर में, मुंबई में, बैरकपुर में, कटक में। तो आठ नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा बैरकपुर में स्थित है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइल फाइबर्स, बैरकपुर में स्थित है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नौ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेहू रोग किस फसल से संबंधित है। मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल। तो नौ नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गेहूं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दस नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है देहरादून, राजमुंद्री, मोदीपुरम, कोची।
तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजमुंद्री, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो राजमुंद्री में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है देहरादून, तिरुवंतपुरम, राजमुंद्री, कासरगोड। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तिरुवंतपुरम, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो तिरुवंतपुरम में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है बैरकपुर, कटक, कोची, शिमला। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कटक, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है कासरगोड, राजमुंद्री, मोदीपुरम, नई दिल्ली। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा कासरगोड में, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्थित है लखनऊ, कोयम्बटूर, भोपाल, भुवनेश्वर। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कोयम्बटूर, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सफेद गेरुई रोग किस फसल से संबंधित है, जौ से, सोयाबीन से, सरसों से, मूंगफली से। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सरसों से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सफेद गेरुई रोग है वो किस फसल से संबंधित है, तो सरसों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है सूरजमुखी के तेल में कसेलापन किसके कारण होता है, आइसोसाइनेट के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण, टेनिन के कारण, एमाइलेडिन के कारण। तो 16 नंबर क्वेश्चंस में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन के कारण, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सूरजमुखी के तेल में कसेलापन किसके कारण होता है, तो ऑक्सीडेशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सूरजमुखी का कुल है मालवेसी, सोलेनेसी, कंपोजिटी, क्रूसीफेरी। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कंपोजिटी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है सूखे की स्थिति में बाजरे की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए छिड़काव करें 0.1% थायो यूरिया का घोल, 0.1% नमक का घोल, 0.1% सोडियम सल्फेट का घोल, या फिर कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 0.1% थायो यूरिया के घोल का छिड़काव करें सूखे की कंडीशंस में बाजरे की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। सर्वप्रथम कौन सा खरपतवार जैविक विधि द्वारा नियंत्रित किया गया, कांग्रेस ग्रास, पार्थिनियम, लेटाना कैमरा, ए व बी दोनों। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लेटाना कैमरा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेटाना कैमरा खरपतवार है, वो जैविक विधि द्वारा नियंत्रित किया गया था सर्वप्रथम। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सर्वाधिक लवणता सहनशील वाली फसल कौन सी है, गेहूं, जौ, चावल, कपास। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जौ, यानी बी ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा। सर्वाधिक लवणता सहनशील वाली फसल है जौ, बी ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा।
क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।